कॉमेडियन भारती सिंह और उनके हस्बैंड हर्ष के घर पर एनसीबी की टीम ने छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि भारती के फ्लैट से गांजा बरामद हुआ है। एक्ट्रेस और उनके हस्बैंड को एनसीबी ने समन भी किया है। खबरों की माने तो मुंबई के वर्सोवा, लोखंडवाला समेत कई जगहों पर एनसीबी की टीम ने छापेमारी की है। भारती सिंह की बात करें तो उन्हें और उनके पति को एनसीबी ने समन भी भेजा है। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार काबू में नहीं आ रही है। शनिवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार कोविड-19 के 6,608 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों का आंकड़ा 5,17,000 के अधिक पहुंच गया, जबकि इसी दौरान इस महामारी से 118 लोगों की मौत के बाद मृतकों का आंकड़ा 8,159 तक पहुँच गया। गुजरात के गांधीनगर में पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत कार्बन उत्सर्जन में 30-35% कटौती का लक्ष्य रखा है और वह इसे समयबद्ध तरीके से हासिल करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारा देश कार्बन उत्सर्जन में 1/3 से ज़्यादा कमी लाने के लक्ष्य को पाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जब हमने यह बात विश्व के सामने रखी तो सब आश्चर्यचकित रह गए थे कि क्या भारत इस लक्ष्य को हासिल भी कर सकता है। जम्मू कश्मीर के राजौरी के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीजफायर नियमों का उल्लंघन करते हुए गोलीबारी की है। पाकिस्तान की तरफ से की गई इस गोलीबारी में एक भारतीय जवान शहीद हो गया है। जानकारी के मुताबिक पाक की गोलीबारी में एक आर्मी हवलदार शहीद हो गए हैं। भारत की तरफ से पाकिस्तानी गोलीबारी का जवाब भी दिया गया। सीजफायर उल्लंघन को लेकर 2003 में हुए समझौते को मानने के बजाय पाकिस्तानी सेना आतंकवादियों की घुसपैठ के लिए लगातार सीमा पर गोलीबारी करती रहती है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली के बाद नोएडा प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। नोएडा में अब शादी समारोह में केवल 100 लोग ही एकत्रित हो सकेंगे। पहले शादी समारोह सहित अन्य दूसरे कार्यक्रमों में 200 लोगों के शिरकत होने की अनुमति थी। जिलाधिकारी सुहास LY ने लोगों से सहयोग करने का आह्वान किया है। जिलाधिकारी ने जिले के सभी लोगों से कहा है कि आयोजित होने वाले सभी प्रकार के समारोह में 100 से ज़्यादा लोग हिस्सा नहीं ले पाएंगे। दिल्ली NCR में पिछले कुछ दिनों से वायु प्रदूषण के स्तर में थोड़ी सुधार आई थी, लेकिन शनिवार को एक बार फिर से हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई है। शनिवार की सुबह दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 313 तक पहुंच गया। शनिवार सुबह दिल्ली के ज़्यादातर इलाके, खासकर द्वारका, आनंद विहार, रोहिणी, मुनिरका, लक्ष्मी नगर सहित NCR के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में रही। झारखंड में कोरोना वायरस संक्रमण से 2 और व्यक्तियों की मौत हुई, जिसके बाद मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 939 हो गया। वहीं संक्रमण के 185 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1,07,157 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की शुक्रवार रात जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटे में 2 मरीजों की मौत हो गई, जिससे राज्य में मरने वालों का आंकड़ा 939 हो गया। 2,594 लोगों का इलाज अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। झारखंड के चतरा में माओवादियों ने छठ घाट पर ताबड़तोड़ फायरिंग की है। इस गोलीबारी में कोयला कारोबारी मुकेश गिरी गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें आनन फानन में हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक सिंहपुर डैम के छठ घाट पर उगते सूर्य को अर्घ देने के दौरान ये घटना हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड के पर्यटन स्थलों को वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा। सरकार की यह कोशिश होगी कि सभी पर्यटक स्थलों के लिए बेहतर आवागमन, रहने खाने और सुरक्षा समेत सभी बुनियादी जरूरतों और सुविधाओं को बेहतर किया जा सके। हेमंत सोरेन ने नेतरहाट स्थित डाक बंगला में आयोजित जनता दरबार में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कई स्थानों पर शुक्रवार को तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो पिछले 14 सालों में नवंबर के महीने में सबसे कम है। मौसम विभाग के क्षेत्रीय पूर्वानुमान केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि 29 नवंबर 2006 के बाद यह पहला मौका है जब दिल्ली का तापमान नवंबर में इतना कम हुआ है। 29 नवंबर 2006 को यहाँ का तापमान 7.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। वहीं अगर बात झारखंड की करें तो मौसम विभाग के अनुसार सुबह धुंध, कोहरा और बादल के कारण लोगों को ज्यादा ठंड का एहसास हुआ। वहीं लगभग 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही हवा ने ठिठुरन को बढ़ा दिया। सुबह का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया था। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।